हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है महावीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कुकिंग पैशन। और आज बनाएंगे हम चिकन अंगारा की रेसिपी, बताऊंगा मैं आपको। और बिल्कुल सिंपल एंड जो कि आप घर में बना सकते हो आसानी से। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, 7-8 बादाम और 1 जावित्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़ पत्ते। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। इससे ये है कि मसालों का फ्लेवर अच्छे से आएगा। और 2 लाल मिर्चें भी डाली हुई इसमें, 2-3। आपने भी ऐसे हल्के सेक में इसको भून लेना है थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट कम सेक में। ये भून गए हमारे, हम इन्हें कर लेंगे, पीस लेंगे। और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको स्लाइस करके फ्राई कर रहे हैं। और जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, इसको हम मैरिनेशन करते हैं चिकन की। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 500 ग्राम दही। मेरे पास 1 kg चिकन है, आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इसमें ऐड करेंगे हम देगी मिर्च 1.5 चम्मच और थोड़ा सा हल्दी। हल्दी हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे इसमें। और ये जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे इसमें। आपने भी ऐसे कर लेना है। और करेंगे इसे मिक्स। उससे पहले डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये चिकन अंगारा की मैरिनेशन है। और ये 5-6 लौंग और 5-6 काली मिर्च है, ये भी बीच में ही ऐड कर देंगे। बाकी इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे हम। दही के साथ आपने सारे मसालों को पहले अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। और ऐड करेंगे इसमें हम चिकन, ये 1 kg है। और ये मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे रखना पड़ेगा हमें। आपने भी ऐसे अच्छे से मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखना है। उससे पहले इसमें अभी ऐड करना है एक चीज़ और, वो बताता हूँ आपके आपको। और ये तब तक हमारा हो रहा है प्याज फ्राई। आपने भी ऐसे अच्छे से प्याज फ्राई कर लेने हैं। ये देखो प्याज होने लगे हमारा ब्राउन। ये ब्राउन हो चुका है प्याज। और प्याज को हम सीधे ऐड करेंगे अपने चिकन मैरिनेट में। आप चाहे तो इसे थोड़ा ठंडा करके, इसे क्रश्ड करके भी डाल सकते हो, बट मैंने ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। और इसे हम अच्छे तरह से मिक्स करके इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आ पाएगा। आप बनाओगे चिकन अंगारा, वो बन कुछ और ही जाएगा। फिर थोड़ा सा इसमें टाइम चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम हो तो फिर ही इसको बनाने की कोशिश करना। ये अगर ओवरनाइट रख सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो हमने प्याज फ्राई किए हुए थे उसी से मैं ऑयल ले रहा हूँ। मैंने 2 घंटे के लिए रखा हुआ था ये। और ऐड करेंगे इसमें हम सौंफ और ऐड करेंगे ये 2-3 टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था। और इसको पकाएंगे हम अच्छे से, भूनेंगे हम। वैसे आप चाहो तो टमाटर को भी मैरिनेशन के साथ ही ऐड कर सकते हो, पर बट मैं ऐसे थोड़ा सा भून रहा हूँ। और ऐड किया मैंने एक थोड़ा सा हींग। हींग मैं बाद में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर पहले डालो ऑयल में तो ये जल जाती है और फ्लेवर नहीं आ पाता है। क्योंकि इसको पकाने में अभी 2-3 मिनट तो लगेंगे हमको टमाटरों को पकाने में, इसलिए मैंने बाद में डाली है। अगर पहले डालो तो जल जाती है। टमाटर को हमने अच्छे से पका लेना है जब तक इसने ऑयल नहीं छोड़ा। ये देखो हमारा टमाटर पक चुका है, ऑयल अलग हो गया। इसका जो
मॉइस्चर था, पानी था, वो सारा सूख चुका है। आपने भी ऐसे अच्छे से पका लेना है और ऐड करेंगे इसमें हम 1.5 स्पून के लगभग कसूरी मेथी, और ऐड करेंगे हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। करेंगे हम इसे अच्छे से मिक्स, अब भुनेंगे इसे हम अच्छे से। मैं जो भी रेसिपी बताता हूँ वो लगभग ऐसी होती है कि हर एक इंसान इसे घर में आसानी से बना सकता है। और जो मैंने बादाम डाले थे उसकी जगह पे आप उसको स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह पे आप थोड़ा सा बेसन डाल सकते हो 1 टेबल स्पून, उससे भी एन ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बेसन से भी उस अच्छी स्मूथनिंग आएगी। और ये थोड़ा सा मैंने खंगाल के डाल दिया अपना बाउल जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मसाला लगा होता है, वेस्ट नहीं करना है हमने कुछ भी। और आपने मिक्स करना है ऐसे अच्छे से। और ये पकेगा हमारा सिम पे या मीडियम फ्लेम पे, इसमें हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है पकाने में। ये उबाला आ गया इसमें और इसे कर देंगे हम कवर। ये देखो कवर हटाने के बाद ये ना तो ग्रेवी वाला होता ना ये तरी वाला होता है, इसको थोड़ा थिक रखना पड़ता है। और दही के साथ ये मैरिनेट किया होता तो ये इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर बट हमने इसे पकाना स्लो गैस में है या मीडियम में, वो आपके गैस पे डिपेंड करता है। और ढक के पकाना है तो इसे बीच बीच में चलाते भी रहना क्योंकि मसाले नीचे ना लगे। और ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हम क्रीम, क्रीम ऑप्शनल है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। क्रीम से ये है कि थोड़ा स्मूथनेस आएगी इसमें। जो ये ग्रेवी सी दिख रही है ना इसे हमने पूरा ड्राई करना है अभी। चिकन हमारा पक चुका है, देखो ग्रेवी भी हमारी सूख चुकी है। और मेन काम अब एक कोयला गरम लाल करके हमने अच्छे से इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और देंगे हम इसे स्मोक। इसका जो फ्लेवर आएगा ना वो अल्टीमेट होएगा। आपके घर वाले खुद बोलेंगे कि घर में नहीं बना हुआ है, आप बाहर से मंगवा के दे रहे हो हमें। और हमने इस ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। और प्लीज़ आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर ज़रूर करें रेसिपी।